जी शगुफ्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये तो मेरे घर का ही वाकया है और बहुत हमें मतलब इस वाकये से सबक मिला है। मेरी एक नन जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, मुख्तलिफ ग्रुप में, और ज़्यादा उम्र भी नहीं उसकी 18 साल की, तो वो बहुत यूज़ करती थी, हम लोग बहुत समझाते थे। फिर वो ये बख्ती समझाया वो सही हो गई, लेकिन वो उसको शौक़ था बस कि वो बस उसी में लगी रहती थी अपने ग्रुपों में। खैर कोई बात नहीं, चलता रहा। फिर उसके बाद वो कुछ दिनों से बहुत परेशान थी, अपसेट लगती थी। ज़ाहिर बात है मैं भाभी हूँ तो मैंने फ़ील करा, ये घर में हमारे इतने अफराद नहीं है तो मैंने फ़ील किया। मैंने कहा क्या बात है आजकल तुम बहुत परेशान हो, बताओ मुझे। नहीं बता रही थी। फिर उसने बड़ी देर बाद ये कबूला कि उसकी जो दोस्ती थी मतलब मुख्तलिफ में, तो उसमें ना उसको एक जो लड़का है वो ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि मैं तुम्हारी तस्वीरें वगैरह शेयर करती थी, कहीं गई हैं घूमने उमने सब, तो मैं तुम्हारी तस्वीरें जो है ना वो शेयर करूँगा और वो भी गलत तरीके से। तो वो बहुत परेशान हो गई, तो उसने मुझसे डिस्कस करा। तो मैंने कहा सबसे पहले तो आप सबको आप हट जाएं इस सारे ग्रुपों से, आप अपने आप को हटाएं क्योंकि अभी उसकी आगे लाइफ है, शादी होनी है, बहुत सारे मसले होते हैं। फिर खैर उसने सारे ग्रुप से हट गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब उसका एक दो जगह रिश्ते लगे, पता नहीं किस तरह उस लड़के ने तस्वीर अपने साथ सेट करके उसकी वहाँ पहुँचा दी। यकीन करें वो रिश्ते ऐसे ख़त्म हुए कि वो बच्ची आज कल डिप्रेशन में है और वो सेट नहीं हो पा रही। कैसे सेट होगी आप खुद बताएं, नहीं हो सकती वो अभी सेट। और ये लड़कियां जो गलतियां करती हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है, ये गलती है इसकी बहुत बड़ी ना। वो बस एक उम्र होती है, उसका एक नशा होता है, तो वो नशा था उसको, फिर इतना हमने उसको देखा भी नहीं, हमारे अपने मसाइल। लेकिन जब मैंने नोट करना शुरू किया, हम वर्क कर रही हैं, अपना कॉलेज का काम कर रही हैं, अपने लगी हुई हैं, अपने नोट्स देख रही हैं, ये वो भी करती थी, लेकिन इसमें इन्वॉल्व ज़्यादा हो गई थी। तो हम बस सबसे यही कहते हैं कि बस बहुत अच्छी तरह प्यार से बच्चियों को लेके चलें, उनकी हर चीज़ देखें तरीके से, क्योंकि चिड़ भी जाती है और भी। हाँ, और दूसरी बात ये बच्चियों को थोड़ा प्यार से हैंडल करने से भी ज़रूरी होता है, क्योंकि वो कहीं और कोई शोल्डर तलाश ना करें। खैर मैं इस पे आऊँगी, क्योंकि देखिए पहले बहुत से लोग इसलिए पिक्चर्स शेयर नहीं करते थे कि जी आप पिक्चर शेयर करेंगे तो आपकी लड़कियों की पिक्चर गलत इस्तेमाल ना हो, लेकिन अब AI का दौर है, आपकी पिक्चर तो वीडियोस पे चस्पा कर दी जाती है। अब ये अगलों के जेहन पे भी होता है कि आप इसको कैसे करना है। हमारे साथ कॉलर है जी टंडू मोहम्मद इसहाक साहब, है टंडू मोहम्मद खान से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम बाजी, खैरियत से हैं? माशाल्लाह ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। क्या पूछना चाहेंगे? माशाल्लाह आपके जो टॉपिक होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, और मेरी ये दूसरी दफा कॉल है आपको। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए हमारा आज जैसे आप वाईफाई वगैरह राउटर वगैरह की बात हो रही है, तो ये तो कराची के अंदर है, मगर गाँव देहात के अंदर अभी भी वाईफाई वगैरह से हम काफी दूर है, महरूम है इन चीजों से। मगर मोबाइल के टावर के थ्रू जो नेट आता है, अब मेरा बच्चा है 12 साल का, मैंने उसको मोबाइल दिया कि मैं उससे रास्ते में रह सकूं, कि मुझे पता चले कि वो कहाँ है, कब घर पहुंचा, क्या। अब उस पे भी जो बच्चे होते हैं वो इस तरह की चीजें देख रहे होते हैं कि जब हमें पता चलता है, जब हमने किसी टाइम पे बच्चा सो गया, हमने उसका मोबाइल उठा के चेक कर लिया, तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान से बाहर कंट्री के जो लोग हैं वो उनके दोस्त बने हुए हैं, और इस तरह की चीज़ें यूज हो रही हैं कि हमें खुद भी जो है वो मतलब ये काफ़ी बुरा लगता है। वही बात अगर सुबह हम अपने बच्चे से कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हो, तो यहाँ तक कि नौबत आ जाती है कि बच्चा कहता है कि आप मोबाइल ले लो, मैं स्कूल ही नहीं जा रहा, मैं पढ़ना ही छोड़ देता हूँ। तो इस तरह के हालात हैं गांव के अंदर भी, क्या करें, क्या करना चाहिए हमें? चलिए आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और बड़ा आपने सही जगह निशानदेही की है कि वाकई आजकल के बच्चे भी माँ बाप को ब्लैकमेल करें, और वो सही बात है, मतलब गांव देहात में वो तो चलो फोन में पैकेज कराएंगे ना, जी जी जी, वो तो राउटर ही लगा हुआ, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देखिए बहुत सारे ऐसी एप्स हैं जो आपको वही राउटर वाली सहूलतें दे देते हैं आपके सेल फोन पे। जैसे बहुत मारूफ वेबसाइट है गूगल, गूगल का फैमिली कंसोल आता है एक, वो ऐप के तौर पर आपके फोन में इंस्टॉल हो जाता है, जैसे हम सब अपनी अपने ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, और उसके दो या तीन वर्जन्स हैं, यानी एक पेरेंट्स के मोबाइल फोन पे इंस्टॉल होगा, और एक टीन्स पे और एक किड्स पे। अच्छा, यानी उसके भी लेवल्स हैं, और फ्रॉम देयर आप उस ऐप को यानी पेरेंट ऐप टीनेज ऐप को फुल मॉनिटर कर सकती है, फुल कंट्रोल कर सकती है, वही काम कर सकती है जो अभी हमने यहाँ राउटर पे किया,
कि किस टाइम कौन सा सॉफ्टवेयर चलेगा, किस टाइम वो क्या कर रहा है। टेक्निकल तो नहीं होगा, मैं चाहती हूँ जितने भी लोग देख रहे हैं जिनका जो राउटर पे जो सारे काम, राउटर कह रहे हैं जो अपने पैकेज वायर मोबाइल पैकेज पे काम कर रहे होते हैं, वो कैसे कर सकते हैं इसको? आप ऐप स्टोर पे जाएं, ठीक है, और ऐप स्टोर पे जाके गूगल फैमिली कंसोल डाउनलोड कर लें, ठीक है। अच्छा, वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आर यू अ पेरेंट और अ किड, तो आप किड्स के मोबाइल पे किड्स का इंस्टॉल कर देंगे और पेरेंट के मोबाइल पे पेरेंट का इंस्टॉल कर देंगे, दैट्स इट। अब पेरेंट, अब उस किट के, आपको पता है हर मोबाइल पे एक ईमेल होता है जिससे वो मोबाइल बेसिकली कनेक्टेड होता है, वो ईमेल आप अपने पेरेंट के ऐप पे रखेंगे और आपको उस किट का तमाम डेटा आपके मोबाइल फ़ोन पे मिलता रहेगा। वो किससे चैट कर रहा है, वो इवन व्हाट्सएप किससे कर रहा है, वो जैसे मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर की बात की, वो डिस्कॉर्ड पे क्या बात कर रहा है, एवरीथिंग विल बी रेसिप्रोकेटेड और मिरर्ड ऑन योर फोन। नकी साहब, आपने आजकल चीज़ नोट किया, बच्चे हमारे इतने तेज़ हो गए, वो जब किसी बड़े का भी फ़ोन लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, तो उसमें ना उतनी थोड़ी देर के लिए एक ऐप डाउनलोड करेंगे, कोई भी गेमिंग की भी ऐप हो, और वापस करने से पहले वो आपको वो डिलीट करके पकड़ाएंगे। अच्छा, ये बच्चा, ये जो किड्स की ऐप है, ये उस फ़ोन से डिलीट नहीं हो सकती जब तक कि पेरेंट अपना पासवर्ड डाल के उसे डिलीट ना कर दे। इस सारी में जैसे वो बच्चा कह रहा है कि अगर आप ये सब रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो अपना फ़ोन रख लें, I have other means, you know. वो कह रहा है फोन रख ले, मैंने स्कूल भी नहीं जाना, चलो। अच्छा देखिए, this is your control, कि आप कहाँ तक उसे control करना चाहते हैं। अच्छा, ये मैं डॉक्टर मलिहा नास को दिन यहाँ पे वो करती हूँ, इंगेज करती हूँ। डॉक्टर साहिबा, मुझे बताएं, जैसे अभी हमारे कॉलर भी मौजूद है और भी हमारी बहन पे भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन दो डिफरेंट इशू हैं। पहले हम जो भाई हमारे थे जिन्होंने फ़ोन किया, तो इसके इशू को डिस्कस कर लेते हैं। वो कहते हैं अगर बच्चे पे आप चेक रखें तो बच्चा आपका कहता है कि जी ठीक है, ये अब ये लिया, ये पकड़े अपना फ़ोन, मैं स्कूल नहीं जाता, मैंने कुछ करना ही नहीं है। तो अब इसको आप कैसे डील करें कि आपका पर्पस भी सर्व हो जाए और आपका बच्चा भी, वो कहते हैं ना, बंदे का पुत्र बन के रहे। जी बिल्कुल, देखिए मैं दिया, सबसे पहली बात फिर वही है कि जब तक हम बच्चे को, अगर इस तरह से बच्चे के ऊपर अगर हम कंडीशंस लगाएंगे और उस पर हम डिफरेंट तरीके से उसको चेक्स लगाने की कोशिश करेंगे, तो उसके अंदर यही फीलिंग आएगी कि मुझे स्पाई कर रहे हैं और मुझ पे बहुत ज्यादा कंडीशंस इम्पोज कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं, मतलब ऐसी सूरत हाल में मां-बाप पे नजर रख रहे हैं, हम सही रहते थे, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जी देखिए, अगर हमारे माँ बाप अच्छी बात नहीं कि बच्चे को पता चल जाए, नजर रखी जाती थी कि हमें हमें बता दिया जाता था। जी जी हेलो हेलो जी जी सुन रहे हैं आप, कंटिन्यू कीजिए। जी मदीहा जी जी बिल्कुल, देखिए आप ये कह रही थी कि अच्छी, बिल्कुल अच्छी बात है कि बच्चे को पता होना चाहिए, जैसे हमें पता होता था कि हम पर कुछ बाउंड्रीज हैं जिनको हमें फॉलो करता है, लेकिन उन बाउंड्रीज के साथ साथ हमें अच्छे और बुरे की तमीज़ भी बता दी जाती थी और हमें हमारे खुद डिसीजंस होते थे कि हमारे लिए क्या, ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर नज़र होने के बावजूद ऐसा नहीं था कि हमें हमें कुछ आउटलेट्स अवेलेबल नहीं होते थे गलत सही के लिए, हर वक्त हर चीज़ अवेलेबल हर बच्चे को हर दौर में रहती है, और वो बच्चा ही फिर डिसीशन लेता है कि मैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो बच्चे के ही हाथ में होता है, जो वो घर से सीख कर आता है, जो उसके पेरेंट्स उसको बताते हैं कि मुझे, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। और देखें, एक ट्रस्ट वाली बात भी आ जाती है कि बच्चे को हम, क्योंकि ये वो एज होती है जिसमें बच्चा अपनी आइडेंटिटी भी ढूंढ रहा होता है, वो अपनी अपने इन्वायरमेंट में से देख रहा होता है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूँ, तो उसको जितना कॉन्फिडेंस अगर पेरेंट्स देते हैं कि हम तुम पे ट्रस्ट करते हैं, तुम्हारे लिए ये सही है ये गलत है, तुम्हें इस तरीके से डिसीजन लेने चाहिए, तो वो ही एक बेहतर तरीका है। ऐसा लगता है कि शायद हम सारे चेक्स दूसरे रखेंगे तो वर्क करेगा, लेकिन डीप डाउन यही वो तरीका है जिससे बच्चा एट द एंड ऑफ द डे वो ही इस चीज़ के लिए खुद से बेहतर, हम उसको ये सारी रिसोर्सेस, सारी इंफॉर्मेशन, सारी कंटेंट हम उसको अपनी तरफ से दे दें, और फिर डिसीजन उसको, वो यकीनन उसका यही डिसीजन होता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या बेहतर है, बजाय कि उस पर हम इस तरह से कंडीशन इम्पोज करें। और इस तरह से कंडीशन इम्पोज करना पेरेंट्स और बच्चे के दरमियान रिलेशनशिप भी ख़राब करने का बाइस बन सकता है। तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकता है अपने लिए, बिल्कुल यही बेहतर तरीका है कि जी
देखें वो एज बिल्कुल ऐसी, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि वो एक एडल्ट ब्रेन नहीं होता, वो उस एज में बच्चे क्रिटिकल थिंकर्स नहीं होते, लेकिन अगर इस चीज़ के अलावा, रिसर्च के बेसिस पे इस चीज़ के अलावा और बेहतर कोई, इससे ज़्यादा बेहतर हल कोई नहीं होता. देखिए अगर आप छोटे से बच्चे को भी अगर आप बता देते कि बेटा आपके लिए ये सही है ये गलत है, तो उस बच्चे को वो अपने डिसीजन ले पाता है अपनी अपने इन्वायरमेंट के, अपनी उम्र के हिसाब से. वो बच्चे के अंदर ये सलाहियत होती है दो के वो क्रिटिकल थिंकर नहीं होता, लेकिन हम उसको वो क्रिटिकल थिंकिंग या इन्फॉर्मेशन हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके बेसिस पर वो डिसाइड कर सकता है कि मैंने ये काम नहीं करना. देखिए इसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल ये है कि दुनिया भर के अंदर जो एडिक्शन को रोकने के लिए बहुत सारी एडोलेसेंट्स में और बच्चों में, छोटे बच्चों के अंदर बहुत सारे तरीकों को अख्तियार किया गया, लेकिन उसमें जो सबसे एट द एंड ऑफ द डे, यू नो आप देख लें आपके सिगरेट्स के डब्बों के ऊपर माउथ कैंसर की इतनी पिक्चर्स होती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सबसे जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी जो बच्चों के लिए पूरी दुनिया में काम की है वो यही है कि जब बच्चों को सेल्फ एस्टीम हाई होती है और बच्चों को नो कहना आता है. और जी बिल्कुल, क्योंकि यू नो इट्स लाइक एक हम इस वक्त हम जिस दुनिया में हैं जो सोशल मीडिया की, इट्स लाइक मॉल, शॉपिंग मॉल, यानी कि हर तरफ से हमें बम्बार्डमेंट है ऑफ इंफॉर्मेशन और इतने अट्रैक्टिव मैनर में बच्चों की ग्रूमिंग करते हैं सोशल मीडिया पे. यू नो ड्रग पैडलर्स जो है वो बच्चों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, हर तरह का यू नो वायलेंट कंटेंट, सेक्सुअल कंटेंट, हर तरह का कंटेंट जो है बच्चों का एक्सपोजर इतना बढ़ गया है, बहुत सारी चीजें बच्चे इतना से हमारे एक्सपोज हो गए ऐसी बहुत सारी चीजों की. यही एक बड़ी रीजन है कि हम देखते हैं कि हमारे आज जैसे हमारे भाई की भी अभी कॉल आई थी, हमारे बच्चे डिप्रेशन में जल्दी चले जाते हैं, हमारे बच्चे फौरन सुसाइडल भी हो जाते हैं. ये एक बड़ा इशू है कि छोटा सा कोई हार्ट ब्रेक अगर हो जाए तो बच्चा उस पर भी अपनी जान देने को तैयार हो जाता है. हमने पिछले साल देखा है कराची में ऐसी भी बहुत सी चीज़ें हुई हैं. मैं स्कूल्स के नाम नहीं ले सकती, लेकिन हमने देखा है कि बच्चे कैसे जो हैं वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा खुद से करें. कॉलर हमारे साथ है जी, प्रोफेसर सिप्ते हमारे साथ मौजूद है, कहाँ से? इस्लामाबाद से. जी अस्सलाम वालेकुम जी. जी अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम जी. मैडम आप एक तो बहुत अच्छे टॉपिक एड्रेस करती हैं जो करंट इश्यूज पर होते हैं जो पेरेंट्स फेस कर रहे होते हैं, ये क्रेडिट आपको जाता है. बहुत शुक्रिया मेरी. और सेकंडली मैं इसमें ऐड ये करना चाहूँगा कि जो आज का टॉपिक अंडर कंसिडरेशन है उसमें मेजर रोल पेरेंट्स का है. पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे और ना ही बच्चों की जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं. मैं रिसेंटली एक एग्जांपल दूंगा. ये कोई एक हफ्ता पहले एक फैमिली लाहौर से आई मेरे यहाँ, उनके पास दो बच्चे जिनकी उम्रें कोई 5-7 साल की थी. अब मैंने देखा कि पेरेंट्स भी मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं और बच्चे भी कमरे में लेकर बैठे हुए हैं. तो मैंने बच्चों से जब ये पूछा कि भाई आपकी इंटरेस्ट क्या है, तो एक बेटी ने कहा जी कि मैं स्केचिंग बहुत अच्छी करती हूँ. तो मैंने उसको पेपर्स और पेंसिल वगैरह लाकर दे दी और उसने स्केचिंग की, तो उसने अच्छा खासा टाइम उसके ऊपर स्पेंड किया. तो कहने का मतलब ये है कि आप बच्चों की अटेंशन को डाइवर्ट करें. पेरेंट्स जब तक फुली इन्वॉल्व नहीं होंगे वो बच्चे जो है ना वो मोबाइल से दूर नहीं हो पाएंगे. बिल्कुल सही बात है. मुझे मुझे ब्रेक लेनी, छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मजा आएगा. ब्रेक जरूरी है बड़ी.